लोग तो आइए आज के इस वीडियो में बताएंगे कि देखिए आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आप सुनते होंगे कि मेरा परीक्षा ऑनलाइन है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, CBT है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का पहली बार परीक्षा दे रहे हो या NTPC का देने वाले हैं या एयरफोर्स ने भी या ऑल एग्जाम जो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो दोस्तों ठीक तो आपके मन में आ रहा है कि OMR सीट पर तो देते हैं कि उस पर रंगते हैं ब्लैक पेन से या नीले पेन से बॉल पॉइंट पेन से, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कैसे देते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो इसमें एकदम लाइव दिखाने वाला है दोस्तों कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होता है और कैसे आपका कम समय में हो जाएगा, समय ज़्यादा ज्यान नहीं होगा, ठीक। और देखिए ऐसे ही तरीका आपके कंप्यूटर बेस पे आता है, ठीक। हम इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो देखिए दोस्तों पहले तो आप जाएंगे तो आपका थंब इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक। थंब इंप्रेशन के बाद से आपको मतलब मिल जाएगा एडमिट कार्ड, पहले लिख दिया जाएगा कि C13 मतलब C14 ऐसे करके जो नंबर मिला होगा कि मतलब कंप्यूटर नंबर होगा कि C13 मतलब कंप्यूटर 13 नंबर पर या कंप्यूटर 14 नंबर पर आपको जाकर के परीक्षा देना है, ठीक। वहाँ पर बैठेंगे तो 5-6 मिनट या मतलब जितना भी वेट करना हो वेट करना होगा और कुछ भरना वरना होता है। उसके बाद से अपने आप वहाँ पे आ जाते हैं क्लिक है, और इसका पहले का जो प्रोसेस है वो तो हम बता ही दिए हैं इसी में। तो कहेंगे क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट, मतलब कि अब टेस्ट का समय हो गया, वहाँ पर क्लिक कीजिए। तो देखिए उसके बाद से कैसे होता है, अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए ऐसे खुल के आ जाएगा। तो जो देखिए यहाँ पर है आपका प्रश्न है, ठीक, जैसे कि रीजनिंग का है जो भी हो, तो ठीक यहाँ पे है प्रश्न। यहाँ पे देखिए टाइमिंग चल रहा है, जो 90 मिनट का टाइमिंग है वहाँ पे टाइमिंग ये चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे घटता जाएगा टाइमिंग, ठीक। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये विद्युत प्रवाह संबंध है, एम्पियर है, ठीक। तो इसमें इससे संबंधित कौन सा है, मतलब आप तो क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो अगर मान लेते हैं कि इससे संबंध जैसे वाई का किलोग्राम नहीं होता है, कार्य का जूल होता है मात्रक, जैसे विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है वैसे ही कार्य का जूल होता है मात्रक, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं, तो इस पे अगर हम टिक करते हैं कार्य के जूल, तो देखिए कार्य के जूल पर टिक किया तो ये एक नंबर भर गया, ठीक, एक नंबर पे हरा हो गया, मतलब कि एक क्वेश्चन आप क्लिक कर चुके हैं, देखिए। और यहाँ पे अगर हम बता दें, ये तो टाइमिंग चलता रहेगा ऐसे ही, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक नंबर पर है तो मतलब रिस्पॉन्डेड, ये देखिए पढ़िए ऐसे ही आपको ही कंप्यूटर में शो करेगा रिस्पॉन्डेड एंड सेव्ड, मतलब कि एक क्वेश्चन को आप सेव कर दिए हैं, ठीक। और ये देखिए विजिट बस बट अनरिस्पॉन्डेड, मतलब कि ये होता है कि जैसे हम आपको ये भी लाइव करके बताएंगे, जैसे होता है कि आप एक क्वेश्चन किए दूसरा हल नहीं किए उसको छोड़ करके तीसरा आप चले गए, तो वहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे कितना क्वेश्चन को आप छोड़े हैं, यहाँ पे वो नंबर दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए और रह गया बात यहाँ का मार्क रिव्यू, मतलब कि रिव्यू में जो ये जो है ना रिव्यू का, इसमें जो डाल रहे हैं क्वेश्चन मतलब देखने के लिए कि हाँ ये सस्पेंशन में है इसको बाद में करेंगे, तो यहाँ पर वो दिखाएगा कितना रिव्यू में क्वेश्चन है, ठीक। और यहाँ पे दिखाएगा मार्क्ड फॉर रिव्यू बट नॉट रिस्पॉन्डेड, मतलब रिव्यू में आप क्वेश्चन को डाल चुके हैं यहाँ से, मतलब क्वेश्चन को रिव्यू में डाल चुके हैं लेकिन रिस्पॉन्डेड मतलब कि हल नहीं किया है उसको, ठीक, कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है, ठीक। और ये जो दिखा रहा है नॉट विजिट, मतलब कि इस क्वेश्चन को आप नहीं देखे हैं, ठीक है, नॉट विजिटेड, इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे लेकर चलते हैं। और उसके बाद से देखिए सेव करने के लिए हम आपको बता दें कि अगर ये हल हो गया, हल होने के बाद से यहाँ पर होता है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। और लास्ट में सबमिट पे यहाँ पे जो लिखा है ना लास्ट में, तो ये सबमिट पे लास्ट पे क्लिक करना है, ठीक। और मार्क एयर रिव्यू में रखना है तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक। ये ऑप्शन रहेगा इरेजर रिस्पॉन्स का, मतलब कि अगर गलती हो गया उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, मिसकार भी सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लाइव दिखाते हैं इसको, देखिए ये तो हो गया। अगर मान लेते हैं कि इस पर टिप दिए फिर दूसरा भी टिपना होता है, मतलब कार्य के ऊर्जा नहीं होगा दाब होगा, तो इसको कर देंगे तो फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक। तो ये अभी नहीं दिखाएगा कि आपको कितना गलत है कितना सही है, ठीक है दोस्तों। और देखिए अब उसके बाद से बताते हैं आगे, देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इसका कोई भी टिप ले कोई उससे दिक्कत नहीं, जैसे कि 4 संबंध है 16 है तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 16 आएगा, वैसे ही 22 में क्या जोड़ेंगे तो 4 में 2 जोड़ें, ठीक, तो 22 में क्या जोड़ेंगे तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 को कर दिया तो देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया रिस्पॉन्डेंट एंड सेव्ड में, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। उसके बाद से सेव एंड सोर्ड, मतलब कि ये कर दिया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 97, मतलब कि तीसरा क्वेश्चन पे आप हैं तो 97 क्वेश्चन पे आप अभी नहीं देखे हैं, ठीक है दोस्तों। और विजिट टू बस बट अनरिस्पॉन्डेड, मतलब कि इसको अभी देखें इसको हल नहीं किए हैं, जैसे इसको हल करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि इसको हल नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो देखिए ये आ गया, अब इसको हल कर देंगे मान लेते हैं कुछ भी हो, तो 10 में जैसे कि 1 जो है ये कराएं कि मतलब किस प्रकार से संबंधित है, 10 में 1 जोड़ेगा तो
ग्यारह का वर्ग 121, 12 में एक जोड़ेगा 13 का वर्ग 121, 14 में एक जोड़ेगा 15 का वर्ग 121, लेकिन 16 में एक जोड़ेगा तो 15 15 है 225 होता है, ठीक। और 16 में एक जोड़ेगा तो 17 का वर्ग 279 नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, 17 का वर्ग 279 नहीं होता है, आप भी जानते हैं, ठीक है, 289 होता है 17 का वर्ग। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे कि ये सही है, तो देखिए यहाँ पर एक हो गया, इससे पहले यहाँ पर दो था, मतलब एक हो गया, इसको हम क्लिक कर दें, ठीक, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिए, ठीक, ऐसे ही करते करते जाएंगे, ठीक है। और अगर बताते हैं आपको मार्क और रिव्यू में डालना है, जैसे इस क्वेश्चन को मार्क रिव्यू में डालना है, तो इस पर हम क्लिक कर दिया मार्क रिव्यू में, तो देखिए मार्क रिव्यू में ये पीला हो गया, मतलब वेटिंग हो गया कि इसको आप देखे हैं लेकिन हल नहीं किया है। तो फिर अगर मान लेते हैं कि आप जाते 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 यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, अगर 92 नंबर को हल करना चाहते हैं, 200 जून दिवस को मनाया जाता है, तो जैसे कि 18 मार्च का है तो 18 मार्च कर देंगे यहाँ से भी। और यहाँ पर देखिए अगर रिव्यू में जो क्वेश्चन डाले हैं तो यहाँ पीला रंग आ गया है, इस पे क्लिक कर देंगे, पाँच पे क्लिक करेंगे तो पाँच का क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बाद से आप हल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दिखाएगा आपका कि कितना लास्ट पोजीशन में बताते हैं, और देखिए यहाँ पे समय तो चल रहा है, समय का कोई भी रुकावट नहीं है, इसके बाद से रीजनिंग आएगा, मतलब सभी क्वेश्चन आप जान ही गए होंगे। तो रिस्पॉन्डेड एंड सेव्ड में ये नंबर दिखाया कितना आप अटैम्प्ट किए हैं गलत से टोटल मिला करके, ठीक, इसमें दिखाया कितना अभी आप नहीं देखे हैं, जैसे कि अभी पाँच पे हैं, ठीक, एक को हटा दिए हैं, ठीक, तो छः हो गए, और यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे मतलब 93 कह रहे हैं कि मतलब अभी 93 क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, ठीक है दोस्तों, 93 क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, देखिए। और यहाँ से एक से लेकर 100 तक ऐसे होता है, और लास्ट में सबमिट के टाइम पे सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए अभी बता रहे हैं कि टेस्ट पूरा होने में अभी 84.53 समय बाकी है, मतलब कि जैसे ही आपका टेस्ट जब पूरा होगा तब आपका ये बता देगा कि हाँ समय पूरा हो गया, तो उस पर सबमिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम आपको इरेजर करके बताते हैं, ठीक, देखिए जैसे कि जीके वाई मतलब पाँच पे कर दिए, इसको इरेजर करना है, जैसे इसको मान लेते कि इसको मालूम ही नहीं है आपको कि आंसर कौन सा हुआ, तो इरेजर कर दीजिए, इरेजर कर देंगे तो ये हट गया, ठीक। तो अगर यहाँ आप किए तो देखिए यहाँ पाँच हो गया, देखिए ध्यान से देखिए चार हैं यहाँ पर रिस्पॉन्डेड एंड सॉल्व में, तो यहाँ आप कर गए तो पाँच हो जाएगा, पाँच हो गया, उसके बाद अगर इरेजर करेंगे तो फिर वहाँ पर चार ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही ऑनलाइन परीक्षा दिया जाता है, और अगर आप नहीं देखे हैं तो किस तरह दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से आपका ऑनलाइन परीक्षा दिया जाता है, और सब परीक्षा ये करने के बाद से सेव है नेक्स्ट ऐसे करते करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आप क्लिक कर दिए बी नंबर सही है तो बी पे क्लिक करेंगे, सी नंबर सही है तो सी पे क्लिक करेंगे, ठीक, ऐसे ही करते करते आप जाएंगे, और इसमें हरा होता जाएगा कितना किया है, और यहाँ पर भी दिखा देगा आपका रिस्पॉन्स एंड सॉल्व सेव्ड में कि कितना आप क्वेश्चन किया है, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो लोग ऑनलाइन परीक्षा नहीं दिए हैं वो